फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके चैनल माय लाइफ वीडियोस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप भी दोस्त किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर रहे होंगे। और आपको पता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें अलग अलग विषयों के ऊपर हमारी कमांड बैठानी होती है, ठीक है। उनमें से एक विषय है कंप्यूटर। तो किसी भी एग्जाम को, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को अगर आप फाइट करते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने पूरे 100 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो आपको कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस मैंने कहीं से देखकर किसी से टिप कर नहीं उठाई है, पूरे एनालाइज किए हैं, पुराने 10 साल के रेलवे के पेपर लिए हैं और उसमें से ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद दोस्तों मैं आपसे दिल से दावा करता हूं कि आप कंप्यूटर फील्ड के एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें लो लेवल यानी कि नीचे स्तर के क्वेश्चन से लेके हाई लेवल ऊपर स्तर के क्वेश्चन तक को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें बेसिक से लेकर जो आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं उन क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक यानी कि आप जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड हैं। तो पूरे 100 क्वेश्चन में इस एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, इसके मैंने टोटल 10 पार्ट बनाए हैं जिसमें एक पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज के इस लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है कि भाई सुपर कंप्यूटर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो उसकी और थोड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर एक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, ठीक है। IBM एक कंप्यूटर मतलब एक कंपनी का नाम है, ठीक है ना। IBM का ब्लू जोन एक कंप्यूटर का नाम है और IBM एक कंपनी का नाम है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IBM कंपनी का ब्लू जोन विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर में से एक है, ठीक है। तो भाई सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, अगर प्रश्न ही आ जाता है तो सुपर कंप्यूटर का नाम है ब्लू जोन। और ब्लू जोन किसके द्वारा बनाया गया था, तो ब्लू जोन IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हालांकि हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कितने तरीके का कंप्यूटर होता है, तो उसमें सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, तो हम इतना ही ध्यान रखते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे तेज चलता है। पर हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया जाता है और सुपर कंप्यूटर का कोई एक नाम बताओ, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं ब्लू जेने एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ब्लू जेने। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है हमारा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए चर्चित है, ठीक है। तो जैसे कि आप मार्केट में कंप्यूटर लेने जाते हैं, ठीक है, तो आपको उस कंप्यूटर में अपनी इच्छा अनुसार स्टोरेज बतानी होती है कि आप उसमें कितनी TB की हार्ड डिस्क लगाना पसंद करेंगे। उसी प्रकार से जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी का होता है, यानी कि उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको कहीं पर भी अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई ऐसे कंप्यूटर बताओ जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी हाई लेवल की होती है, तो आपको याद रखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी हाई होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर यानी उसका दूसरा नाम बता रहे हैं, मिनी कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर को कहते हैं, ठीक है। यह रेफ्रिजरेटर के आकार वाली मशीन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिनी कंप्यूटर या फिर मिड रेंज कंप्यूटर, ठीक है, ये एक रेफ्रिजरेटर आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के आकार की मशीन होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल मध्य आकार वाली कंपनी करती है, ठीक है। अब ये बता रहा है भाई, इसका प्रश्न उत्तर दोनों साथ में ही है। ये बोल रहा है कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है और मिड रेंज कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है, दोनों एक ही कंप्यूटर है, नाम बस अलग अलग है, मिनी कंप्यूटर और मिड रेंज कंप्यूटर। अब प्रश्न एक ये भी आ सकता है कि रेफ्रिजरेटर के आकार वाली मशीन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंप्यूटर है इनका आकार जो होता है, साइज वो एक रेफ्रिजरेटर के आकार के जैसा होता है। तो अगर भाई प्रश्न ये आ जाए कि रेफ्रिजरेटर के आकार के प्रकार कौन सी मशीन होती है, तो आपको याद रखना है मिनी कंप्यूटर व मिड रेंज कंप्यूटर एक रेफ्रिजरेटर के आकार के प्रकार होती है, ठीक है। और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका प्रयोग होता है मध्य
मध्य आकार वाली कंपनियों में जो नॉर्मल स्तर की जो कंपनियां होती हैं वो इनका प्रयोग करती है, ठीक है। उन कंपनियों में जो जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं उन कंप्यूटर को हैंडल करता है मिनी कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि रेफ्रिजरेटर के आकार के समान कौन सी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर। तो भाई हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के और आते हैं कि भाई माइक्रो कंप्यूटर, याद रखना दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर विश्व में सबसे अधिक प्रचलित, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर विश्व में सबसे अधिक प्रचलित ये चार प्रकार के होते हैं। तो भाई अब ये माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं हम ये देखते हैं। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, जो हम नॉर्मली घरों में यूज लेते हैं वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। और ये कौन से माइक्रो कंप्यूटर का एक छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, उसमें से पहला प्रकार हो गया हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा प्रकार हो गया नोटबुक, ठीक है, नोटबुक, उसके बाद है हमारा टैबलेट, उसके बाद है पीसी और हैंड हेल्ड, ठीक है। ये सभी हमारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के आकार हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है नोटबुक, एक होता है टैबलेट, एक होता है पीसी और हैंड हेल्ड। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, ठीक है, सिस्टम यूनिट के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो सिस्टम यूनिट है एक प्रकार का कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर आप जानते हैं, कंटेनर के अंदर सामान रखे जाते हैं। सिस्टम यूनिट भी एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर व मेमोरी, ठीक है। तो भाई आज के बाद अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सिस्टम यूनिट क्या है, तो आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि सिस्टम यूनिट एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे जाते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर व मेमोरी, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारी सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टोरेज, अब देखो स्टोरेज के ऊपर मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि स्टोरेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टोरेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है हमारी हार्ड डिस्क, और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है हमारी रैम, ठीक है। अब आप इस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट क्या होता है, यानी कि रैम और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपने यानी कि कोई भी डेटा सेव किया, ठीक है, अगर आप कोई गेम, मान लो आपके पीसी में आपने एक गेम को सेव कर दिया, ठीक है, पेन ड्राइव में से कॉपी किया और अपने लैपटॉप के अंदर आपने पेस्ट कर दिया, तो वो पूरा का पूरा गेम जाएगा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, यानी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर वो डेटा, आपका गेम सेफ हो गया है। अगर आप पीसी को शट डाउन कर देंगे तो भी वो डेटा आपके हार्ड डिस्क में सेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने पीसी को फिर से खोलते हैं, अब आपका मन किया कि आप उस गेम को खेलना चाहते हैं, तो जैसे ही आप उस गेम को प्ले करते हैं तो वो गेम पड़ा है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे ही आप उस गेम को प्ले करेंगे तो वो पूरा का पूरा गेम उठ के आ जाएगा आपकी रैम के अंदर, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। वो गेम रन होगा पूरा का पूरा रैम के अंदर, ठीक है। तो रैम के अंदर जो भी चीज़ रहती है, ठीक है, अगर ये पूरा गेम रैम, जो गेम है पूरा रैम के ऊपर आ जाता है। अगर आप कहीं से कोई चीज़ कॉपी करते हैं, ठीक है, आपको मैं इसको एक अलग, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी चीज़ को एक बार कॉपी करते हैं, ठीक है, और आप कहीं पर पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ पेस्ट हो जाती है।
निकालती है। जब तक आपका पीसी ऑन रहता है आप उसको कितनी बार भी कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपने चीज कॉपी की है वो आपकी रैम के अंदर सेफ है। अगर आप पीसी शट डाउन कर देंगे और वापस स्टार्ट करेंगे और आप फिर पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज पेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी रैम के अंदर जो चीज सेफ होती है वो सिर्फ करंट ऑन होता है यानी कंप्यूटर ऑन होता है जब तक ही सेफ रहती है। जैसे ही आपका पीसी बंद होता है तो आपकी मेमोरी रैम के अंदर जो सेफ है वो डेटा हट जाता है, ठीक है। आपको फिर से बता देता हूँ, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी चीज़ स्टोर है वो लाइफ टाइम स्टोर रहती है और जो आपकी रैम के अंदर जो चीज़ स्टोर होती है वो सिर्फ बिजली जब तक रहेगी जब तक ही चीज़ स्टोर रहती है, यानी कि रैम में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो सिर्फ कंप्यूटर ऑन रहने तक ही स्टोर होती है। जैसे ही हमारा पीसी ऑफ हो जाता है रैम के अंदर जो भी चीज़ होती है वो सारी की सारी हट जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि स्टोरेज भी दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारी आती है हार्ड डिस्क जिसके अंदर डेटा लाइफ टाइम तक सेफ रहता है, और प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हमारी आती है रैम जिसके अंदर डेटा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ऑन होने तक ही रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो है भाई ये एक टेक्निकल चीज़ों का, ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यानी B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ABCD वाला B, 1, 2, 3 वाला 2 और ABCD वाला C, यानी B2C का फुल फॉर्म क्या होता है। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। आपको ये टेक्निकल फॉर्म के क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर फील्ड, आपको याद रखने ही रखने होंगे, इनको याद करने के कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ठीक है। तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर और C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंप्यूटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का कि B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो मैंने आपको इन सभी के फुल फॉर्म बता दिए हैं। काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में इन चीज़ों से रिलेटेड भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, थैंक्स टू वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज़।